जो भी भक्तगण कभी भी बागेश्वर बालाजी दर्शन करने के लिए या अर्जी लगाने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध है। बाय रोड भी आप जा सकते हैं, बस सुविधा भी यहाँ से डायरेक्ट है। बागेश्वर बालाजी सरकार स्वयंभू है जो बागेश्वर धाम पर प्रकट हुए थे। पिछले 3 पीढ़ियों से वहाँ दिव्य दरबार लग रहा है। पूज्य गोदे भगवान के दादा गुरु जी दरबार लगाते थे जिनका आप चित्र उनका देख सकते हैं। इसके पहले इनके भी दादाजी वहाँ दिव्य दरबार लगाते थे। इसके बाद पिछले 10 साल से पूज्य गोदे भगवान के द्वारा दिव्य दरबार लगाया जा रहा है और ऐसा मानना है आज तक जो भी वहाँ पहुँचा है और जो सच्चे मन से जिन्होंने वहाँ जिन भक्तों ने वहाँ पर अर्जी लगाई है वो वहाँ से खाली हाथ नहीं गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुरुदेव भगवान से नहीं मिल पाते हैं लेकिन अपने घर पर भी बागेश्वर बालाजी के नाम से अर्जी लगाते हैं या आश्रम पर पहुंचकर बागेश्वर बालाजी के चरणों में अर्जी लगाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई है। तो आप अपने मन में विश्वास रखिए जो भी आपकी मनोकामना है निश्चित रूप से वो आपकी पूरी होगी। इसी तरह गुरुदेव भगवान ने सभी भक्तों के लिए बागेश्वर धाम पर मानव सेवा संकल्प चल रहे हैं। विगत 3.5 साल हो चुके हैं माँ अन्नपूर्णा महाप्रसाद भंडारे को जो निरंतर अनवरत चल रहा है, निःशुल्क भंडारा है। प्रतिदिन 5,000, 10,000, 15,000 और सोमवार मंगलवार शनिवार लाखों भक्तगण वहाँ पहुँचते हैं। मंगलवार को तो 4 लाख 5 लाख भक्तगण वहाँ पहुँचते हैं और करीब 7-8 किलोमीटर से हाईवे से वहाँ जाम लगा रहता है। जितने भी भक्तगण आते हैं वहाँ से कोई भी भूखा नहीं जाता है चाहे वो लाखों की संख्या में हो। तो ये सब आप सभी के सहयोग से विगत 3 वर्ष पूर्व गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया था कि जो भी भक्तगण बागेश्वर धाम आएंगे या जहाँ पर भी उनकी कथाएं होंगी तो वहाँ पर भोजन की व्यवस्था की जाए सभी भक्तों के लिए। ये उनका पहला आदेश रहता है जहाँ पर भी वो कथा करते हैं तो हर कथाओं में सभी भक्तों के लिए जो बाहर से आते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। इसी को सोचते हुए बहुत से भक्त ऐसे पहुँचते हैं आश्रम पर जिनके पास पैसा भी नहीं होता है उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई। तो 24 घंटे 12 से 3 दोपहर को रात्रि 8 से 11 प्रतिदिन अनवरत भंडारा चल रहा है जो आप सभी के सहयोग से चल रहा है। ये भंडारा भी कैसे शुरू हुआ इसका एहसास गुरुदेव भगवान ने भूख का एहसास किया है वो भी इस भूख प्यास की वेदना से गुजरे हैं तो उन्होंने संकल्प लिया कि जब भी बागेश्वर बालाजी सरकार कृपा करेंगे तो माँ अन्नपूर्णा महाप्रसाद भंडारा प्रारंभ होगा और इसी संकल्प को गुरुदेव भगवान ने उनके पावन सानिध्य में पूरा हो रहा है। और भारतवर्ष का एक ऐसा दिव्य स्थल बागेश्वर धाम है जहां पर धाम पर आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी से दान पेटी की राशियों से हर वर्ष गरीब कन्याओं के विवाह किए जाते हैं। विगत 3 वर्षों से निरंतर 2020 में 21 में और 22 में करीब 150 बेटियों के विवाह संपन्न हो चुके हैं। 1 मार्च 2022 में 108 कन्या विवाह संपन्न हुए और 18 फरवरी 2023 को 121 कन्या विवाह संपन्न हुए। भारतवर्ष से हर जगह से वहाँ लोग पहुँचते हैं। किसी भी वर्ग की बहन बेटियाँ हो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी बहन बेटियाँ हैं अगर आपको लगता है उनके माता पिता नहीं हैं या पैसों के कारण उनके विवाह में कोई बाधा आ रही है तो आप उनको बागेश्वर धाम लेकर आइए, उनका आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। 2 महीने पहले रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होंगे दिसंबर में, आप उनका रजिस्ट्रेशन करवाइए। आपको कुछ लेकर नहीं आना है, वर वधु मात्र पूरी सुविधा बागेश्वर धाम से बागेश्वर धाम परिवार की ओर से जो भी एक बहन को उपहार के रूप में सामान दिया जाता है वो बागेश्वर धाम परिवार द्वारा परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में दिया जाता है। तो आपको कुछ लेके नहीं आना है, केवल वर वधु बस आपको लेके आना है। पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में केवल फ्रिज और गाड़ी बाइक छोड़ के सब कुछ दिया जाता है। चांदी से लेकर सोने तक के जो उपहार है हर सामान वहां से प्राप्त होता है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसी बेटियां हैं बहन हैं अगर आपको लगता है कि ये सामर्थ्य नहीं है विवाह करने में तो आप उनको बागेश्वर धाम लेकर आ सकते हैं। और हर वर्ष कोई ना कोई ऐसी बेटी आती है जो हैंडीकैप होती है उनका भी विवाह बागेश्वर धाम से होता है। अगर कोई ऐसा भी है जो विकलांग है जिन्हें दिखता नहीं है तो उनका भी विवाह बागेश्वर धाम से होता है। और किसी भी वर्ग की हो किसी भी समाज की हो बागेश्वर धाम एक ऐसा तीर्थ है यहाँ किसी का भेदभाव नहीं है। कोई भी वर्ग की हो तो आप उनको लेकर आइए और पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में उनका विवाह संपन्न कराया जाएगा। इसी तरह पूज्य गुरुदेव भगवान के अनेक अनेक संकल्प चल रहे हैं। गो माता को बचाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया गोशाला नहीं पाए एक हिंदू एक गाय। गो माता की जो दशा हो रही है
रास्ते में भी भटक रही हैं, उनको भोजन नहीं है, मर रही हैं, उनको देखते हुए गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया था कि गोशाला नहीं उपाय एक हिंदू एक गाय। अगर एक हिंदू परिवार एक गो माता की सेवा करें तो कुछ तो बचेगी। और कहते हैं गो माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, उनकी सेवा करने से हमें पुण्य लाभ प्राप्त होता है। अगर हमारे पास जगह नहीं है गो माता की सेवा करने के लिए तो किसी भी हम चरवाही को जो गाय चराने वाला होता है उसको भी हम सेवा दे सकते हैं, या गौशाला में भी हम गौ माता की सेवा कर सकते हैं। तो एक हिंदू परिवार को एक गौ माता की सेवा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा धर्म है। कोरोना हुआ तो 11.25 लाख वृक्षारोपण का संकल्प लिया, ऑक्सीजन की कमी हुई तो गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया कि बागेश्वर बालाजी के जो भक्त हैं उनके द्वारा हर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। निरंतर करीब 6.25 लाख के समथिंग वृक्षारोपण अभी संपन्न हो चुके हैं और निरंतर बागेश्वर परिवार के द्वारा चल रहे हैं। इसके पहले एक संकल्प और लिया, आप लोगों को बहुत कम पता होगा, पिछले साल दिसंबर में नौगांव में श्री राम कथा गुरुदेव भगवान की हुई। नौगांव मध्य प्रदेश में ही है, छतरपुर जिले में ही है, तहसील है, एक अनाथ आश्रम है जिसमें 64 बहनें हैं, छोटे से लेकर बड़ी एज तक बहनें हैं। अनाथ आश्रम में उनके लिए खाने पीने की और उनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। उस कथा के मध्य में ही गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया और उन 64 बेटियों को उन्हें गोद लिया। खाने पीने से, शिक्षा से और उनके विवाह तक की जिम्मेदारी गुरुदेव भगवान ने ली। और आप यकीन कीजिए उसमें से 2 बहनें मुस्लिम भी हैं और उनका निकाह की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने सर पे ली।